दोस्तों अब रशिया इतना ज्यादा गुस्से में आ गया है कि अब रशिया ने अपना ही नुकसान करना शुरू कर दिया है और रशिया ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारा नुकसान भले ही कितना हो जाए लेकिन हम यूरोप के देशों को बिल्कुल भी गैस नहीं देंगे। और अब रशिया ने पूरे ही यूरोप की गैस सप्लाई और ऑयल सप्लाई को पूरी तरीके से रोक दिया है, जिसकी वजह से आज पूरे ही यूरोप में गैस और तेल की कीमतें इतनी ज्यादा आसमान को छूने लग गई हैं कि हम लोग तो इस गैस और क्रूड ऑयल को अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अमेरिका की ये सभी पाबंदी पूरे यूरोप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुकी है। सभी के सभी यूरोप के देश आज गैस और तेल की कमी से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। वहीं पर रशिया ने जर्मनी को भड़काने के लिए अब रोज $1 करोड़ की गैस को बिना वजह में ही जलाना शुरू कर दिया है। इस बात से व्लादिमीर पुतिन ने ये तो पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि भले ही हमें बेवजह में गैस जलानी पड़ जाए लेकिन हम यूरोप के देश को थोड़ी भी गैस नहीं देंगे। वहीं पर रशिया ईरान से 100 से भी ज्यादा ड्रोन खरीद चुका है और आज के समय में रशिया के अंदर ईरान के 100 से भी ज्यादा ड्रोन मौजूद हैं। वहीं पर अब रशिया ने भी पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि आने वाले समय में हम ईरान से और ज्यादा ड्रोन लेंगे, लेकिन अभी भी इस जंग में रशिया की तरफ से ईरान के ड्रोनों को मैदान में नहीं उतारा गया है। ऐसा रशिया की तरफ से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रशिया शुरू में ये देखना चाहता है कि आज के समय में यूक्रेन के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेन जंग के दौरान कर रहा है। वहीं पर आज अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि हमने जो रशिया के ऊपर तेल और गैस को लेकर पाबंदी लगा रखी है अब उन पाबंदियों को भारत ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो पिछले एक महीने से भारत ने रशिया से लगातार तेल भी कम खरीदना शुरू कर दिया है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।